जीगर ने मंत्र फड़के ऐसा खेल रचाया जी, जल पे थल और थल पे सृष्टि रची हुई थी माया जी। बाजीगर ने मंत्र फड़के ऐसा ब्रवा लाया जी, उस ब्रवे बस इतना अरम अकेले में बाजी कर की बजे बासु बज गया है। सृष्टि की रचना के बाद जब मेरे लिए आदरणीय गौशाला के प्रधान जी मास्टर प्रेम सिंह जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और जिन भाइयों ने मान सम्मान किया सभी का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। फिर इंसान की रचना की बारी आई, परमपिता परमेश्वर ने इंसान की रचना की, उस सृष्टि को चलाने के लिए जिसकी रचना करे वो नाच जा, अक मेरे बस की बात नहीं, वो उस ब्रह्मलीन हो जा वापस। फिर विचार करा कि नू तो काम को ना चल रहा, नू तो सृष्टि आगे बढ़े नहीं। फिर 6 विकार बनाए, काम क्रोध मतलब मोह और अहंकार, हर एक जीव के अंदर, हर एक इंसान के अंदर वह गेरे, अकिन बिना काम नहीं चल लगा। उसके बाद उस सृष्टि को आगे, मैथुन सृष्टि आगे बढ़ती चली गई और इस सृष्टि की रचना होती चली गई। कैसे दूसरी कली में क्या बताया जाना चाहिए। सृष्टि आगे बढ़ी, फिर जीव का जो कर्मों का हिसाब है
यहाँ पर कर्मों का हिसाब बताया कि इंसान जैसे कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। सब भागा का रोड़ा है, कोई दे किसे किसे कीमत तो लाखों में और को दो दे लेगा भी ना होता। सारे भागा का रोड़ा है। इब इस स्टेज पे मारे पर की अंगा लाग गाए जाएंगे फिर भी को है ना अंगा ना लागे। आदमी कई बार सोचेगा पीछे ने दूक ना दू कई बार गोज मगो प्राणी चाहोगे अच्छा इससे स्टेज पर को नचना यारी हो फिर चाह 2000 गे और चाह कहे गो फिर ते नो उठेंगे नो नो। ये सब भागा का रोड़ा है। मेरे लिए याद नहीं है मेरे बड़े भाई साहब कृष्ण चहल साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार। धन्यवाद धन्यवाद। पंडेरी से राजकुमार जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं बार बार। धन्यवाद है धन्यवाद। ये मान आ गए। अच्छा मेरे लिए याद नहीं है मेरे गुरु जी कोच रणबीर चहल साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार। धन्यवाद धन्यवाद। सब सौदे तकदीर के अमय फकीरिया ली कोई तो बाबा जी घर घर मांग के खा है। अरे एक यूपी वाला बाबा जी है जो गद्दी पर बैठा है वो दूसरा ने दिवा है। ये सब तकदीर का रोड़ा है। मेरे लिए याद नहीं है हमारे भाई साहब मदन मलिक साहब उत्तर प्रदेश हाथी करोदा जो इस प्रोग्राम की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मलिक सीडी सेंटर बागपत बड़ोद एक दो दिन के बाद ये कार्यक्रम आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। भाई मदन मलिक साहब 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे तीसरे नंबर पर क्या बताया। बाजीगर का रूप दिया है जो पात्र बनाया वो परमपिता परमेश्वर है और जो बकरी है वो काल रूपी बताई है। फिर वह चलती है पूरे संसार की पूरी सृष्टि की सैर करती है। हमारे लिए आदरणीय हमारे भाई साहब मदन मलिक साहब 500 रुपए से गौशाला में दान देते हैं भाई साहब को बार बार। धन्यवाद है धन्यवाद। हमारे लिए आदरणीय परमेश्वर दे श्रीधर शास्त्री जी गांव मोई से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं आशीर्वाद देते हैं बार बार। धन्यवाद है धन्यवाद। उस सृष्टि की रचना में उस काल का अहम योग होता है।
जो पूरी सृष्टि में से घूमते हैं, तो जिसका भी जो हिसाब किताब बने है उसके अनुसार उसको फल मिलता है। जिसके दिन यहाँ पूरे हो जाते इस मृत लोक में, उसके हिसाब से वो काल उसको अपनी गिरफ्त में कर लेता है, उसका पत्ता कट हो जाता है। ऐसे ही आवागमन चलता रहता है। कैसे? चौथे नंबर पर क्या बताया? उस बाजीगर दोरे एक बकरी जो भूखी रोज में माती है, नोले हरे फल फूल तोड़ के उसी बेल से खाती है। जितनी दुकान दार मेले में सब पर टैक्स लगाती है। बाजी कर का हुक्म बजाती, बाजी कर के बंदे आन तो बेले में, बाजी कर की बजे बांसुरी गंगा जी के मेले में। उसके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, जिसका जो हिसाब उसके अनुसार उसका आवागमन इस सृष्टि में लगा रहता है। हमारे लिए आदरणीय बिंजल गांव से सुरेंद्र शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। माजरा गांव से मेरे लिए आदरणीय मेरे भाई राधे शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। उसी के अनुसार उसका कर्मों का लेखा जोखा बनता रहता है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, उसके लिए एक समान है। आखिर में निचोड़ यह है कि जो इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, लेकिन हाँ जो उसने बुरे कर्म किए हैं उनको कम किया जा सकता है। कैसे? उस ईश्वर का भजन करने से। नुकारे भाग में जो दुख होना वो होया करे, ऐसा हो सकता है अगर आप ईश्वर की प्रार्थना करते ईश्वर का भजन करते हो तो दुख कम हो जाएगा, लेकिन टलेगा नहीं। वो है तो है, जो भाग्य में है वो होगा, वो कम होगा अगर आप उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हो तो। कैसे? आखिरी गली में क्या बताया? संकट का हो, संकट का हो धर्म सारथी, संकट का हो धर्म सारथी धर्मराज कर जाना हो। भूल चूक ये कला पाप का जिसके याद नशाना हो, उस बकरी न कोई न छोड़ा चाहे यहाँ चाहे सारा हो। देवी देवता प्रसन्न हो जा, धर्म ग्रंथ का गाना हो। बदन भून ना रहा खून, बदन भून ना रहा खून, उस मान संग के चले मैं। हमारे लिए आदरणीय भाई सतवीर जगबीर
100 रुपये से पहले 50 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है।